Oh! आज हम जो विचार कर रहे हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण हमारे संस्कृति के लिए हमारे देश के लिए एक जो विचार है भारतीय ज्ञान प्रणाली क्या है जो पाश्चिमात्य विचार रहा है उसके बारे में हम पढ़ते रहे हमारे जो पूरा जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो हम पढ़ाते जो पढ़ाते रहे वो एक मेकॉले एजुकेशन सिस्टम की एक कंटिन्यूटी चल रही जब से मेकॉले ने अब एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी तब से हम और अभी पता चल रहा है हमें, हमें और विश्व के संदर्भ में कि मैं मेकौली सिस्टम किस लिए बनाई थी ब्रिटिश उनके 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 उद्देश्य क्या थे उनका मकसद क्या था उनका हेतु क्या था उसी तरह वो एजुकेशन सिस्टम चला रही है तो कई विचारवंत लोग एक आए विचार करने लगे कि क्या ये योग्य है क्या ये आज अर्थपूर्ण है क्या भारत के लिए योग्य है हमारे देश के लिए योग्य है हमारे संस्कृति के लिए योग्य है और विचार एक सहमति सम, हुई कि नहीं हमको हमारी एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनानी पड़ेगी उसके लिए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसको कहा, कहा गया गया टू ज़ीरो टू ज़ीरो इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसका विशेष इस पर अभ्यास किया गया कई मुझे अभ्यासक लोग कई लोग स्वतंत्र विचार के लोग आ, उस पे पर उन्होंने विचार किया और उस वो विचार हमारे एजुकेशन पॉलिसी में लाने का कोशिश की गई उसमें एक मुख्यतः जो विचार निक, निकला था कि ये भारतीय एजुकेशन सिस्टम में भारतीय ज्ञान प्रणाली मुझे मुख्य विचार भार भारतीय संस्कृति का क्या है भारतीय संस्कृति हम देखते हैं कि है सबसे पुरातन संस्कृति दुनिया के जो महान संस्कृति महान नहीं बोलूँगा जो आद्य संस्कृति हुई है जो पाच्य संस्कृति मानी जा जाती है उस संस्कृति में सबसे पुरातन संस्कृति भारतीय संस्कृति मानी गई है वो एक शाश्वत संस्कृति रही है एक प्रकार और सबसे जा, जा, महत्व का विचार इसमें था एक वैदिक नॉलेज सिस्टम इंडियन नॉलेज सिस्टम जिसको हमने इंडियन नॉलेज सिस्टम बताया तो इंडियन नॉलेज सिस्टम मैंने मुझे मुझे कोई पूछा तो इसको मैं बोला कि ये वैदिक नॉलेज सिस्टम वैदिक नॉलेज से वैदिक ज्ञान प्रणाली क्या है तो जिसमें हमारे जो चार वेद है उपवेद है इसमें और हमारे जो दर्शन है इसके बारे में विचार हुआ है इसमें और हमारे जो इतिहास है जो रामायण और महाभारत इसको ये सभी को ये पूरी ज्ञान प्रणाली जो तैयार हुई और सभी का रिफ्लेक्शन आप देखते इसी ग्रैंड प्रणाली का हमारे संस्कृति में हमारे विचारों में हमारे जो जिस इस सोच के विचार सभी जगह हमको मिलता है लेकिन वो हम पढ़ाते नहीं हैं वो हम समझते नहीं हैं इसमें तो एक विचार रहा कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का विचार इंडियन नॉलेज ये भारतीय सोच जो है वो हमारे एजुकेशन में नहीं रहा और उसी के कई दुर्भाग्य से जो रिफ्लेक्शन हमको मिलते हैं सोसाइटी में तो ना तो हम अंग्रेजी बने ना तो हम पाश्चात्य विचार के बने ना तो हम भारतीय विचार के बने तो हमारी संस्कृति तो उसमें बदल करना है तो एक भारतीय अपने जो एजुकेशन सिस्टम हमारी जो न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन सोर्सेज नेशनल उसमें महत्व का विचार शब्द जो है नेशनल एजुकेशन में ये रहा है इंडियन नॉलेज सिस्टम तो जब विचार हुआ कि अभी सभी हमारे जो कोर्सेस है हमारे जो शिक्षा है उस तरह से हमारी उसमें एक एक परिवर्तन लाना चाहिए तो इसी वजह से ये मुझे लगे कि एक आपने बताया शोध हमको प्रोग्राम तैयार करने बैचलर्स प्रोग्राम होगा मास्टर्स प्रोग्राम तैयार करेंगे जैसे कि पढ़ाना है तो क्या तो मास्टर्स प्रोग्राम क्या होनी चाहिए ये प्रोग्राम कैसे सिखाई जाए उसके टेक्स्ट बुक कैसे होने चाहिए क्या होना चाहिए ये विचार और क्या होगा उसका उसके उसके, उसके परिणाम क्या होगे इसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक आद्य संस्कृति दुनिया की हमारे विश्व की जो अभी तक चली चलती आ रही है जो हम आज ही भी देख सकते जैसे कि हम सरस्वती पूजा करते हैं सरस्वती है, वैदिक देवता रहिए वहाँ से उस काल से मुझे वैदिक काल से तो आज तक जो हम नमस्कार करते जो जो प्रार्थना करते ये जो महत्व के विचार हमारे संस्कृति में रहे महत्व के विचार एक जो प्रणाली रही है उसके बारे में हमने वो वो विचार करना चाहिए और ये संस्कृति से अनेक शोध लगे ये बात नहीं कि हम हम पूरा हम पीछे जा रहे क्या इसने सारा सालों तेरह हजार साल पहले चौदह हज़ार साल पहले पीछे नहीं जा रहे ये ये संस्कृति एक और एक बात की गई ये सदा नूतन संस्कृति रही एवर न्यू इसको सदानूतन क्या है सबसे पुरातन और सदानूतन एक विशेष इसके एक विशिष्ट मुझे लगता है एक, आ, एक, एक सो, इसे सोच रही है ऐसा कभी नहीं हुआ कि सबसे पुरातन भी है और सबसे नूतन भी है और हरदम हर दम जिसके हम देखेंगे तो उसके से नए विचार निकलते हैं जैसे जैसे कि संस्कृत भाषा हम, हम समझते हैं तो उसकी बेसिस क्या होनी चाहिए तो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये इसमें एक संस्कृत भाषा जी जो सबसे आद्य भाषा मानी गई है जो सबसे एक रिच भाषा उसमें तो इस बारे में तो कुछ बहुत कुछ बोला जाएगा लेकिन ये विचार सामने आना चाहिए तो, तो जब मुझे पता है दस साल पंद्रह साल पहले इस बारे में हम विचार करने लगे तो उसको क्या बोला जाए तो एक विचार है कि हम ज़्यादा अंग्रेज़ी एकदम समझते हैं तो इसको इंडियन नॉलेज सिस्टम कहा जाए ऐसा विचार आया था तो उसको आई के एस और हम प्रगसन कॉलेज में कई कई जगह इसके बारे में बोलने लगे इसमें विज्ञान भारती भी यही सोच रहे आगे आई है विज्ञान और भारती भारतीय विज्ञान कोई अलग विज्ञान की बात नहीं कर रहे लेकिन विज्ञान जो तो विचार किया गया था जिसके आज विचार हो रहा है कि क्या हम जो विचार कर रहे जो रिसर्च कर रहे जो कुछ आगे बढ़ा रहे जैसे हमारे खेती है समझ लो तो क्या सस्टेनेबल है आज वो शाश्वत है नहीं ये जो विचार आ अभी-अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आज जो विचार विचार चल रहा है यूनाइटेड नेशंस में वगैरह वगैरह वो ये वैदिक विचार है अभी उसका उसका मुझे जो उसका अवतरण जो हो रहा है जो उन्नीस हम सब मुद्दे हमने सामने लाए वो विचार वैदिक विचार है और उस उस फॉर्म में उसको दिखना चाहिए वेद वेद वेदों में कैसा दिखा उनके बारे में वैदिक एग्रीकल्चर क्या थी वगैरह वगैरह तो उसका एक अच्छा, एक अच्छा अच्छा विचार जो विचार क्या है मूल मूल मुद्दा क्या है मूल विचार क्या, क्या रहा है और उसकी एजुकेशन सिस्टम कैसी होनी चाहिए तो मुझे लगता है कि बिस्मत स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज़ जो आ, ये सोच कर रहे है इसके बारे में और हम इसको आगे लाने की कोशिश कर रही है तो इंडियन नॉलेज सिस्टम को तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में जैसे मैंने कहा कि हमारी जो वैदिक ज्ञान प्रणाली विचार प्रणाली जो है इसमें तो बात होती है वेद वेदों की अभी हमने चार वेद चार उपवेद हा? और छः दर्शन वो सब की बात की उसमें ये है हमारी विद्या विद्या प्रणाली मूल विचार फिलोसॉफिकल थ बट उसका जो दैनंदिन जीवन में उसमें प्रैक्टिकल उस विषय में तो कई कलाएं डेवलप हुई जिनको में चौदह विद्या और चौसठ कलाएं की बात हुई वो कलाएं कौन सी थीं वो कालानुसार बदलती रही उस काल से जो कुछ शाश्वत रही ऐसी लेकिन वो सदा सदा बदलती रही है सदा तो करके इस विद्या को और ज्ञान प्रणाली को ये सदा नूतन भी बुलाए, एक सनातन भी बुलाए, ये शाश्वत आने उसका दूसरा विचार है वो सदा नूतन रहती रही ये बात अलग है क्या अभी हम उसका इंटरप्रेशन आज की दुनिया में आज के संदर्भ में क्या है उसमें ज़्यादा शोध नहीं हुई कि वो पहले आ, ऐसे ऐसे विद्याएँ महत्व की थी ऐसी कलाएँ महत्व की थी आज कौन सी कलाएँ महत्व की हुई आज उसका मॉडर्नाइजेशन उसका पूरा मॉडर्नाइजेशन में कि आज का रेलेवेंस आज जो उस उस उसके रेलेवेंस के अनुसार हमको एक कलाएँ विकसित करनी है और उसका भी अभ्यास होना चाहिए उस पर जो उसकी जो उसकी इफेक्ट जो होगा हो वो पुरातन विद्याओं का भी कलाओं का भी होगा लेकिन आज के संदर्भ में ये क्या कैसी होनी चाहिए क्या तरह क्योंकि उसकी एक फिलोसॉफी रही है वो सब ये कलाएँ करने की तो उसका भी अभ्यास होना चाहिए तो चौदह विद्या चौसष्ट कला बहुत शाश्वत एंड कलाुसारदानूतन ये सनातन एंड सदानूतन ऐसी हमारी संस्कृति रही है ऐसी विद्या प्रणाली रही है। इसका रिफ्लेक्शन भारतीय संस्कृति में और आज आज के आ, आज के संदर्भ में क्या कै, कैसा होना चाहिए ये विचार बिश्म स्कूल ऑफ इंडिया स्टडी करने की कोशिश कर रहा है और हमको आ, वो विचार आगे बढ़ाना है क्या कैसे एंड भारतीय ये जो हमारी जो न्यू एजुकेशन न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उसका विचार होना चाहिए ये भी हम ये 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 प्रणाली हमें आगे लाना चाहिए और इसमें क्या होगा कई इनोवेशन इनोशन इनोवेशंस हो गए ये क्या होने चाहिए कैसे होने चाहिए किस तरह से क्यों क्यों हमारे एग्रीकल्चर टूडे इज नॉट सस्टेनेबल ये शाश्वत क्यों नहीं है उसका मुख्य कारण क्या है क्या होनी चाहिए ये भी विचार हम हमको हमको करना होगा तो ये विचार आगे बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं mm -hmm. एक सबसे पुरातन संस्कृति होते हुए भी जो कुछ रिसर्च हुआ है हमारे संस्कृति के बारे में पहले तो संस्कृति के बारे में लेकिन उसी का ही अभ्यास हम हमारे यूनिवर्सिटी एजुकेशन में हमारे महाविद्यालय में और हमारे एजुकेशन में उसका ही अभ्यास नहीं होगा अमा, हम हमारे शिक्षा प्रणाली में नहीं है है मैं मानते पूरा नहीं है लेकिन जिस तरह से होनी चाहिए नहीं है। तो एक तो हमको एक तो चेंज लाना है कि हमको पता होना कि हमारी विरासत क्या है हमारी ग्रेट विरासत जो महान विरासत इस देश की रही है सो so, जिसका अभ्यास सभी दुनियाओं के जो मनीष लोग हैं जो अभ्यासक है जो रिसर्चर्स है उन उन्होंने किया है करते रहे तो उसका अभ्यास भारतीय लोग विद्यार्थियों ने भी जो यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ भी एक हज़ार यूनिवर्सिटीज तैयार हुई है देखते देखते तो जब ब्रिटिशर्स आए थे तो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज जो आए पहले कुछ तैयार हुए थे कलकत्ता मद्रास मुंबई वगैरह वगैरह चार यूनिवर्सिटियों से तो अब अब हम देखते रहे वहाँ से शुरुआत होती है ब्रिटिशर्स एजुकेशन में उसका ज़्यादा रिफ्लेक्शन ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में मैकॉली एजुकेशन सिस्टम और उसका अभ्यास हमारा रहा है हम मानते हैं कि अभी भारतीय विद्या भारतीय एजुकेशन सिस्टम ने हमारे यूनिवर्सिटीज़ ने भारतीय संस्कृति क्या रही है हजारों साल से जो संस्कृति चली आ रही है जो पहला पहली यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी मानी जाती है तक्षशिला में क्या थी कैसी एजुकेशन सिस्टम थी वो जो वो भी हमको पता नहीं है बाद में नालंदा आती है बाद में कई यूनिवर्सिटीज़ वहाँ से आती है और बाद में हमारी पूरी गुरुकुल सिस्टम को पूरा हम, हम भूल जाते गुरुकुल सिस्टम से बि, 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 चाहते से चाहते कि वो गुरुकुल सिस्टम यहाँ से निकल जाए और हमारी मेकॉलेज सिस्टम इस पर ला दी जाए ऐसा हुआ कैसा तो हम अभी चाहते हैं के, आज के संदर्भ में वो एजुकेशन सिस्टम क्यों थी गुरुकुल सिस्टम का महत्व क्या था आज उसका रेलेवेंस क्या है और हम आ, आगे लेना चाहते हैं तो एक उसका उद्देश्य तो ये है, इसे है ये एक और हम चाहते कि इतने इतने न, 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 मुझे लगता है जो फोर्स चल रहा है साइंस का जो जो परिवर्तन हो रहे सब दुनिया में इसमें उसमें उस संदर्भ में हमारा ये हमारी हम हमारी भारतीय सिस्टम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या नया कर सकते हैं उस पर शोध होना चाहिए और अभी हमने शुरू करनी चाहिए ऐसे शोध और उसमें से आ, क्या नई नई दिशा हमें मिलेंगी क्या शोध लगेंगे भारतीय क्योंकि सब लोग दुनिया देख रही है कि भारत से महान देश एक करोड़ लोगों का देश ये कैसा चलता है ये और आगे जा रहा है आगे बढ़ रहा है कई प्रॉब्लम्स है मानते हैं हम कई हमारे प्रश्न भी है तो लेकिन कैसा चल रहा है बहुत क्यूरियासिटी से हम हम दे, देखते हैं उसका उसका स्टडी भारतीयों भी करना करना चाहिए आज भारत में देखते देखते एक हज़ार यूनिवर्सिटीज़ तैयार हुई मैं कभी भी देखता रहता हूँ कि क्या परिस्थिति थी जब मैं पढ़ रहा था कि क्या परिस्थिति है आज जितनी यूनिवर्सिटीज भारत में इतने आई आई टी आप जाइए कहाँ भी दुनिया में कहाँ भी जाइए एकदम आई के नाम से लोग इसे खड़े हो जाते हैं कि कि कैसे स्टूडेंट चाहिए कैसी यूनिवर्सिटी चाहिए हमको आई स्टूडेंट्स हमारे प्रोफेसर होने चाहिए ऐसी ऐसी बात चल चलती है तो ऐसा नाम हम कर सकते हैं इसका मतलब है ऐसी प्रणाली हम तैयार कर सकते और ये दुनिया पढ़ना चाहती है दुनिया समझना चाहती है तो इस संदर्भ में नई एजुकेशन पॉलिसी क्या रिफ्लेक्ट करती है और कैसा ऐसा नहीं और उन्होंने बोलना चाहिए कि जिस दिन एक बार मुझे डॉक्टर अब्दुल कलाम ने आ, बात कर रहे थे किसी दिन की कि हमारे पंत भी बोलते हैं कि भारत एक विश्वगुरु होना चाहिए बात मुझे मेरी मेरा एक सपना है कि भारत जो विश्वगुरु था वैदिक टाइम से वहाँ से तब से तो तो आज वो फिर से विश्वगुरु बनना चाहिए हाउ कैन वी रिक्लेम इंडिया ग्रेट ग्लोरी ऑफ नॉलेज सिस्टम तो कैसा होगा तो मैं बोले तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने मुझे पूछा था तो हम बैठे थे स्कोर आइटिंग में मुझे पता है कि उसमें डिस्कशन दिस, कर रहे थे तो थोड़ा तो एक सिंपल टेस्ट है सिंपल टेस्ट है कि जो हमारी जब तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी और नालंदा थी और कई यूनिवर्सिटी जो पुरातन यूनिवर्सिटीज उसे उस टाइम जैसे तक्षशिला नालंदा में आपने देखकर देखा कि सब दुनिया के जो मॉन्ग्स थे जो प्रिंसेस थे भारत में पढ़ने के लिए आते थे जैसे कि हम आज अमेरिका में जाते और यूरोप में जाते रहे जिस दिन जिस दिन हमारे यहाँ अमेरिका के स्टूडेंट्स है जापान के स्टूडेंट्स है और और सब जो एडवांस नेशन जो कहलाते हैं उन, उनके स्टूडेंट जिस दिन वो भारत में पढ़ने आएंगे जैसे कि आए आते रहे हैं तक्षशिला काल से उस दिन उस दिन भारत एक विश्वगुरु में हम सच्चे मायने में माना जाएगा दुनिया में माना जाएंगे जाएंगे तो वो एजुकेशन सिस्टम क्या कहे क्यों क्यों आएंगे कि वो एजुकेशन सिस्टम जो थी जो हमारी फिलोसॉफी है जो हमारे वास्तुकला थी जो हमारे स्थापत्य कला थी जो कई जो हमारे एस्ट्रोनॉमी थी जो कुछ आर्कियोलॉजी थी तो वो सब का यहाँ जो हम भारत में मिलेगी मुझे पढ़ना होगा समझना होगा वो मुझे भारत में उपलब्ध है ऐसी यूनिवर्सिटीज उपलब्ध है तब लोग भारत में पढ़ने आएंगे बाहर तो मुझे लगता है कि बिश्मो स्कूल स्कूल ऑफ इंडियन स्टडीज़ का एक मकसद वो भी है कि उसका रेलिवेंस क्या है तो आज वो आने वाले है ऐसा मुझे मैं मैं मुझे लगता है मुझे लगता है नहीं मुझे मैं, मेरी उसकी एक शाश्वत धारणा है कि ऐसा होने वाला है ऐसा होने वाला है ऐसे उसके ऐसे साइंस उसके चिन्ह दिख रहे ऐसा होने वाला है तो मुझे लगता है कि ये सिस्टम का उपयोग कैसे होगा जब यह ऐसा होने लगा जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स की जो विचार हुआ आज हो रहा है क्वांटम मैकेनिक्स की थिंकिंग एक वैदिक विचार है तो मैं नहीं कर रहा हूँ दुनिया के प्रख्यात जब से ये विचार शुरू हुआ क्वांटम मैकेनिक्स का क्वांटम स्टडीज का बारे में बारे में वो विचार करने लगे और सबका इंस्पिरेशन क्या है वैदिक थॉट दिस वाज व्हाट द वैदिक रुशीज थॉट एंड उनकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए इट इज इंस्पायर्ड बाय दैट थॉट दे दे टॉक अबाउट इट कहना कहना कि उपनिषदिक थाट जो था इसमें तो उसका महत्व ये रहा है तो आज का मुझे लगता है कि ये ये एक इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है वो हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में लाना चाहते हैं आज जो विचार सबसे महत्व का हमारे सामने आया है कि आज जो संस्कृति कंज्यूमरिज्म जो, जो इसके फैक्ट्र है वेस्टर्न वे ऑफ लिविंग सब सब दुनिया में वेस्टर्न में करूँगा कि इसमें क्या ये संस्कृति सस्टेनेबल है ये शाश्वत रहेगी इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस ने जो 200 देशों का समूह हम सोचने लगे हैं कि ये शाश्वत संस्कृति निर्माण करने के लिए क्या विचार होना चाहिए उसके 19 हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के उन्नीस जो मुद्दे सामने आए हैं वो विचार हम जब पढ़ने, पढ़ने लगते समझते ये विचार हमारा पुराना विचार रहे भारतीय भारतीयों का जो एक जम और कई उसके नाम है इसमें वो सस्टेनेबल नहीं है और इसमें विचार होना चाहिए आज आज में आधुनिक शिक्षण पद्धति में उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए स्कूल एजुकेशन से तो हायर एजुकेशन तक ये विचार होना चाहिए और एक इसके लिए हमको शायद शायद पूरी एजुकेशन सिस्टम ही बदलना पड़े लेकिन उसका विचार उसमें आया है तो वो हमने हमारे समय में हमें सा, सामने लाना है उसका आज का रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए तो उसका अभ्यास हमको करना पड़ेगा वो तो क्या क्या होना चाहिए अभ्यासक्रम कैसे होना चाहिए उसका मैं मैं भी मेंबर हूँ उसके इम्प्लीमेंटेशन का इसमें तो उसके बारे में हम सोचते हैं कि कैसे कैसे इम्प्लीमेंट ये शिक्षण पद्धति कैसी होनी चाहिए ये जो हम पढ़ाते हैं जो अध्ययन और अध्यापन पद्धति कैसी होनी चाहिए उसकी अभ्यास पद्धति क्या होनी चाहिए वो सब हमको एक प्रकार का उसे फिर से हमको रिविजिट करना पड़ेगा और ये विचार अभी हो रहा है मुझे लगता है कि भारतीय जो नई पॉलिसी जो बनी है हमें हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसमें ये विचार हो रहा है उसमें एक बात था, था कि उसका फाउंडेशन हमारा भारतीय विचार भारतीय सोच उसका फाउंडेशन होना चाहिए तो उसके वजह से मुझे लगता है कि ये बिश्व स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज़ जो कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर रही है उसका एक मुख्य विचार वो ये है और उसका वो जो ये कोर्सेज तैयार हो रहे उसका जो बेसिस है वो वो विचार है ऐसे। ऐसा मुझे लगता है तो तो लेकिन मैं बिश्व स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज को बधाई देता हूँ कि ये इनिशिएटिव आपने लिया उसमें और उसके सेंटर्स अभी तैयार होने लगी और ये एजुकेशन सिस्टम मुझे लगता है कि ये उसकी शुरुआत अच्छी तरह अच्छी शुरुआत मुझे लगे हुई तो मैं बधाई देता हूँ और माई बेस्ट विशेष माई ब्लेसिंग्स माई थिंकिंग दैट दिस विल बी सक्सेसफुल इनिशिएटिव थैंक यू